जेडीयू के श्री अनवर अंसारी, अली अनवर साहब, अभिजीत बंसल जी और बाकी तमाम जो हमारे हम सफर हैं, उन सब का है या उस गांव में रहने वाले का है, आप सब लोगों के माध्यम से ये दरखास्त है कि हम एक हाथ जोड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े और ये तय करें कि इस मुल्क के आईन को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। हमें और कबूल नामे के साथ एक शुरुआत होती है साझी विरासत को बचाने की। जब हम बात करते हैं आज साझी विरासत सुनियोजित तरीके से जारी है, इन सारी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए साझी विरासत विचार सम्मेलन के माध्यम से देश की प्रमुख 15 राजनीतिक पार्टी सबके लिए एक बहुत बड़ा इंकलाब जिंदाबाद शुरू की। अद्भुत नेता श्री आनंद शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी को। इस मुल्क को समता का अधिकार चाहिए, इस मुल्क में घर बराबरी का मुद्दा फिर से लाना होगा। मैं तमाम अपने साथियों से भी आग्रह करूंगा कि हम क्यों मान बैठे हैं कि नव उदारवाद जिसके माध्यम से बाजार हमारे बेडरूम तक घुसा हुआ है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे अभी पता चला कि क्या हालात है चारों तरफ पूरे पूरे देश में, और यह सिर्फ इसलिए है कि हमने आम लोगों के सरोकारों को बिसरा दिया। इस मुल्क की साझी विरासत में अगर यह मसला है गंगा जमुनी सभ्यता का, अरे झगड़े पहले भी हमारे होते थे लेकिन दीवार इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी, ये दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हमें साझी विरासत बचाना है तो दीवार गिराने का काम करना होगा, हर समुदाय हर कौम के बीच की दीवार गिरानी होगी। और तमाम लोगों को यह कहना होगा जो मैंने माफीनामा शुरू में कहा, कहना होगा आपके सरोकार अब हमारे सरोकार होंगे, किसान मजदूर घर बराबरी वापस। माननीय तारिक अनवर जी, सीपीआई के हमारे पुराने साथी नेता अतुल उनियाल जी, आरएलडी के प्रिय जयंत चौधरी जी, अभी आपके बीच में मनोज झाजी बोल रहे थे, आपके बीच में अली अनवर जी भी आपके बोलेंगे, हमारे बीच में प्रकाश अम्बेडकर जी हैं और श्री विवेक बंसल जी हैं। मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ जो सब यहाँ सम्मेलन और सभी सम्मानित आदरणीय नेताओं का भी अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो आप सब लोगों ने आज संकेत किया। मैं शुरू में दो बात कहने के लिए खड़ा हूँ, मेरी विनती एक ही है कि हर वक्ता जो यहाँ है वो अपनी बात को 5 से 10 मिनट तक के बीच में रखेगा तो नेता काफी है। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट लग जाए तो चलता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ 12 बज जाए और आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं मानता हूं कि देश की परिस्थिति बहुत विकट है और साझा विरासत का मकसद